से आप सब। आज हम लोग रिव्यू करेंगे IFBAC का। सबसे पहले ये देख लीजिए, सबसे पहले अगर आपको AC चालू करना है, सबसे पहले ये देख लीजिए, ये जो है ना, ये 20 एम्पेयर का स्विच है। अगर आपको 20 एम्पेयर का स्विच चेक करना हो ना, तो ये देख लीजिए, यहाँ से ऊपर ये रेड कलर का मार्क रहता है, इसका मतलब ये 20 एम्पेयर का स्विच, और ये इंडिकेटर दिया रहा था, मतलब पता चल जाएगा ये 20 एम्पेयर का स्विच है। और ये जो स्विच रहता है, आप बेडरूम के साइड में लगा सकते हैं। ये देखो, ये जो है ना, ये हेडबोर्ड है, बेडरूम के साइड में AC का स्विच लगाते हैं, मतलब इसको चालू बंद आप कर सकते हैं। और फ़ैन भी यहाँ पे रहता है, दोनों साइड पे रहता है, फ़ैन भी रहता है। और सबसे पहले आज हम लोग AC का रिव्यू करेंगे। AC को मेरे, ये स्विच को मैंने चालू कर दिया, अभी हम लोग चेक कर लेते हैं। स्विच चालू करने के बाद आपको सबसे पहले पता, स्विच चालू करने के बाद ना, ये जो आपको दिख रहा है, ये है एवरेस्ट कंपनी के स्टेबलाइजर। सबसे पहले वहाँ पर ये दिख लीजिए, आउटपुट इनपुट दिखाएगा, ये दिख रही लाइन ऑन दिखाएगा। 3 मिनट के बाद ये जो है ना, चालू हो जाता है स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर चालू होने के बाद ये जो यहाँ पे AC के अंदर, ये IFBAC के अंदर ये ऑन होता है, AC ऑन होता है, पर सबसे पहले 3 मिनट के बाद। इसके पीछे ना आउटडोर रहता है वो, इसके वजह से कम से कम 3 मिनट लगता है स्टेबलाइजर को ऑन होने में। तो हम लोग स्टेबलाइजर का वेट करते हैं 3 मिनट ऑन। अगर आपको डायरेक्ट ऑन करना हो तो ये दिख रहा है आपको रेड में जो ये है बटन है, उससे भी आप उसको ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले 3 मिनट हम लोग इसको वेट कर लेते हैं। ये देख लीजिए, लाइन आ चुका है आउटपुट, ये देख लीजिए AC स्टार्ट हुआ है। ये देख लीजिए, ये 24 मोड पे है। अब मोड इसका हम लोग चेंज कर देते हैं। सबसे पहले ये ब्लोर चालू होगा, ये दिख रहा है आपको, ये ब्लोर, इसके अंदर एक ब्लोर रहता है। सबसे पहले यहाँ पे ये आपको दिख रहा है ना, ये ब्लोर है, ये ब्लोर सबसे पहले स्टार्ट। अभी कूलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, सबसे पहले ब्लोर स्टार्ट होता है, और कूलिंग स्टार्ट होने को भी 4-5 मिनट लगता है, क्योंकि वो कॉम्प्रेसर जो रहता है उसको स्टार्ट होने में 3-4 मिनट लगता है। सबसे पहले ये जो, ये अभी नॉर्मल हवा चल रहा है, ये जो हवा आ रहा है ना, ये नॉर्मल हवा है। ये अभी हम लोग रूम का थोड़ा टेम्परेचर है ना, ये आपको 24 दिख रहा है ना, उसको थोड़ा बहुत कम कर लेते हैं, क्योंकि कूलिंग अगर आपको ज़्यादा चाहिए ना तो टेम्परेचर कम करना पड़े। ज़्यादा से ज़्यादा 16 पे कर सकते हैं ठंडा पूरा कम्प्लीट। हम लोग दिखा देते मैं आप, ये जो है ना AC का रिमोट है। अब ये 24 पे दिखा रहा है ना, ये दिख रहा है आपको, वहाँ पे भी 24 दिखा रहा है, यहाँ पे भी 24। तो ये देखो, यहाँ से ना, ये देखो, यह प्लस है, ये देखो, यहाँ से आप माइनस कर सकते हो। ये भाई माइनस हो रहा है, दिख रहा है आपको, ये देखो 19 हो रहा है, यहाँ पे भी 19 हो चुका है। ये देखो 16 पे रखा हुआ है, तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा 16 पे आपको रखना है तो कूलिंग आपको अच्छी तरीके से आ जाए। ये अभी परफेक्ट दोस्तों कूलिंग हो चुका है। ये जो रहता है ना, ये रहता है सबसे पहले ना, इस स्विंग को कभी आपको एडजस्ट नहीं करना है। सबसे पहले स्विंग दिखा देता हूँ रिमोट के ऊपर, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, यहाँ पे ना ये स्विंग आपको दिख रहा है। अगर आपको फ़ैन बढ़ाना हो ना तो ये देख लीजिए, ये फ़ैन को आप इस तरह से बढ़ा सकते हो। ये देख लीजिए, ये फ़ैन को बढ़ा सकते हैं, फ़ैन का आपको बहुत ज़्यादा आ जाएगा। ये देख लीजिए स्पीड, अभी हम लोग इसका स्विंग है ना, स्विंग को ये कर लेते हैं। ये देखो ये स्विंग है, ये देख सकते हैं आप, हाँ ये जो ऊपर हो रहा है ना, ये स्विंग है। सुपर मोड, ये देख लीजिए, यहाँ पे उसके ऊपर ये मोड है। ये देखो ये मोड चेंज हो गया, ये दूसरा मोड है, ये देख लीजिए, ये 24, ये अलग अलग मोड रहता है इसके ऊपर 16। अगर आपको IFBAC का AC लेना, आप इसको डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। IFBAC का क्वालिटी बहुत ही अच्छा रहता है, उसका ये भी अच्छा रहता है, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से सर्विस भी अच्छा रहता है। ये शायद AC है ना, ये इन्वर्टर का AC, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इन्वर्टर का AC। तो ये नॉर्मल सा वीडियो था, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। यहाँ से भी आप इसी को देख सकते हैं, ये देख लीजिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।